शिक्षा क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके आलमाइटी पब्लिक स्कूल अनुखुर्द हमीरपुर ने नई सत्र से पहले विभिन्न गतिविधियों को लेकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक संचालक कुलवीर सिंह, मुख्य संरक्षिका पूजा ठाकुर, इंदु कुमारी के अलावा अन्य स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल में पहुंचे अभिभावकों का अभिनंदन किया गया और स्कूल परिसर की सारी जानकारी प्रदान की गई। आलमाइटी स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। उन्होंने सभी अभिभावकों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि स्कूल में बढ़िया भवन के साथ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही स्कूल में बच्चों को कोचिंग भी दी जा रही है। Today, we conducted an orientation program at Almighty Public School for parents. In this orientation, we introduced to them the pedagogy, which the teachers follow to teach their children. We also told them about the structure on which the school operates. We introduced to them the different coaching classes which we provide for our students. For example, we provide coaching in humanities for exams like SSC, HAS, Patwari, 9th Tehsildar. For commerce students, we provide coaching for exams like CS, CWA, CPT. And for science students, we provide coaching for exams like NDA, NEET, JEE. We also told them about different facilities which we provide to our students. The program was indeed a huge success because we received approximately 400 plus inquiries, out of which 250 confirmed registrations. We also addressed the queries of the parents and tried to resolve them and even welcomed their suggestions for improvement. This event was indeed a great success and I thank all of you for the same. Thank you. वहीं स्कूल के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने भी स्कूल की जमकर तारीफ की और कहा कि छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से स्कूल में सुविधाएं दी गई हैं, जो कि दूसरे निजी स्कूलों से काफी अच्छी हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में हर प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है और पढ़ाई भी बच्चों को बढ़िया तरीके से करवाई जाती है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ स्कूल के टीचर्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और उनकी स्टडी से। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी करवाते हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों का। अभी मेरी एक तो बहुत ही छोटी है, UKG में है और एक फर्स्ट में है, पर इनका मुझे IQ लेवल बहुत अच्छा लगता है बाकी स्कूल से। मुझे नहीं पता कि बाकी स्कूल में कैसी स्टडी होती है, पर मैं इस स्कूल से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब इस स्कूल में स्टडी, बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं टीचर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेली रूटीन में जो ये हमें फॉलोअप देते हैं बच्चों का, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। छोटे बच्चों के लिए जिस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है हॉस्पिटल से। जिस तरह से बच्चों को, जैसे मैं एक चीज़ बहुत देखा था कि जो बच्चों के लिए क्लासरूम में ही स्टेज का किया, स्टेज फेयर को दूर करने के लिए वो उनको बहुत बढ़िया लगा, और लर्निंग बाय विजन दैट इज़ टू गुड। आज स्कूल विजिट पे आया हूँ मैं, तो मेरी बेटी ऑलरेडी यहाँ पे एक साल से पढ़ रही है। आजकल पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ाई के साथ अब बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और मतलब हर एक फील्ड में उनका विकास हो, चहुंमुखी विकास हो, खेल में भी उनका विकास हो, और पढ़ाने को जैसे बर्डन नहीं समझे वो। और स्कूल आने की, जब घर से सवेरे जाते हैं तो वो इच्छा रखे स्कूल जाने की, डरे हुए सहमे हुए ना हो पढ़ाई को बर्डन। तो मैंने अपनी बेटी में एक साल के इसमें कभी नहीं देखा ऐसा कि वो स्कूल जाने से डरती है या कुछ। तो उसका ये है कि हमें बड़ा पॉजिटिव माहौल है, फ्रेंडली माहौल है बच्चों के साथ, और बच्चे स्टाफ जो टीचर है यहाँ पे वो उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उन्हें अच्छे चीज़ें समझाते हैं, और
बड़े प्यार से एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे डांस वगैरह, स्टेज फोबिया जो बच्चों में होता है, हमारे टाइम में तो नहीं होता था, जैसे मतलब करवाते स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह पे नहीं ध्यान होता था। इस टाइम बड़ा है ये, क्लास में स्टेज परफॉर्मेंस ली जाती है, डांस करवाए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं बच्चों को, उस पर पोइम्स बुलवाई जाती है, तो सारा अच्छा है। इतने छोटे छोटे बच्चों को मतलब इतनी बड़ी एक्टिविटी करवा रहे हैं और वो फेयर है वो नहीं है, मतलब न स्कूल जाने का भी फेयर नहीं है और वहाँ पे परफॉर्म करने का भी फेयर नहीं है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं और मैंने अपने बेटे को थर्ड क्लास में फर्स्ट टाइम एडमिशन करवाया था यहाँ पर, और आज की डेट में मैं जैसे खुद रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जो बहुत खुशी खुशी स्कूल को डेली करता है और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो स्कूल करवाता है उससे मैं खुश हूँ और मेरे बच्चे सभी खुश हैं। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे मेरा बेटा अभी स्केट बहुत अच्छे से करता है, कराटे क्लासेज भी अटेंड कर रहा है, और बेटी है तो डांस क्लासेज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करवाते हैं स्कूल वाले। और मैं यही चाहता हूँ कि आज की डेट में हर स्टूडेंट जो स्टडी तो करता है पर स्टडी के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड भी बढ़िया होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग जैसे मतलब इस स्कूल ने इसकी पहल करी है और साथ में स्पेस अच्छा होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी सारी अच्छे तरीके से करवाते हैं। और ऑलमोस्ट जैसे मतलब मैंने देखा कि जैसे मतलब प्रेयर के बाद इन्होंने मतलब मेरा बेटा डेली दूसरे तीसरे दिन मुझे बताता है कि आज मेरी न्यूज़ की टर्न है तो मुझे न्यूज स्टडी करके जाना है, और वो साथ में न्यूज भी बोलते हैं। साथ में जैसे स्टेज फेस करना, आज की डेट में अगर हम भी अपने आप को लें तो हम भी स्टेज फेस करने से थोड़ा घबराते हैं, पर मेरा बेटा और बेटी दोनों मैंने देखा कि बिल्कुल फ्रेंकली जो है वो स्टेज फेस करते हैं। और एक्स्ट्रा तो मतलब चलो जैसे भी है कि स्कूल का सब बढ़िया चल रहा है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जैसे मेरे बेटा और बेटी दोनों यहाँ पर स्टडी करें, बेटी जो है मेरी अभी फर्स्ट में है, वो तो UKG से ही यहाँ पर थी, और बेटा जो मैंने थर्ड में एडमिशन करवाई। आपको बता दें कि ऑलमाइटी स्कूल ने गत 3 सालों में अपनी अलग पहचान बना ली है और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करवा रहा है। स्कूल में पहुंचे अभिभावकों के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया गया, जिस पर अभिभावकों ने भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए इच्छा जाहिर की और मौके पर ही अभिभावकों ने 200 से ज्यादा दाखिले के लिए पंजीकरण करवाया है।